हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर आज नया पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, ये आपका पेपर नंबर है सेकंड, पेपर सेकंड है, और हमारा फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो गया है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। उसमें कोई भी दिक्कत हो आप तो आप उसमें डिस्कस कर सकते हैं, उसको अच्छे से पढ़ें। अभी अभी हमने उसको पूरा किया है, आप रिवाइज करें बार बार। तो नया जो पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये कुछ प्रैक्टिकल पेपर है, मतलब कि अलजेब्रा की तरह थ्योरेटिकल थ्योरम है इसमें, लेकिन वो भी प्रैक्टिकली फॉर्म में है, मतलब आपको थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा और आपको मजे आएंगे कि आपको ज़्यादा कंसेप्ट जो है वो फॉर्मूला बेस मिलेंगे। ठीक है, आपको इमेजिनेशन तो करनी है लेकिन ज़्यादा तरह से नहीं, यानी कि हम कहें तो लेट मानने वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, यहाँ पर आपको प्रूफ दिखाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बात अगर की जाए तो कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र संख्याएं, और सम्मिश्र संख्याएं आप 12th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो उन सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज तो होनी चाहिए, उसी से आगे चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में तो आपने कई कॉम्प्लेक्स के बारे में ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, तो उसी से आपके पास चीजें उठ के आएंगी, मैटर उठेगा, और उसी मैटर के बाद आप बाकी जो है कंसेप्ट लेंगे। तो उसके बारे में कुछ नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, कुछ आपको होनी चाहिए, मतलब ध्यान आपको हो। तो देखिए, सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण स्वर कैसे किया जाता है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। सम्मिश्र संख्याओं का निरूपण यानी कि कैसे हम उनको दर्शाते हैं, ये चीज आप देखिए इसमें कि सम्मिश्र संख्या होती क्या है। सबसे बड़ी संख्याएं होती हैं, यानी कि नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर्स, इन सब से दूर आगे चलकर इन सबको समेटे हुए जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक चीज डिफाइन करते हैं कि अगर कोई भी साधारण बहुपद आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कोई भी संख्या आ जाए वो आ जाए नेगेटिव, माइनस वन आ जाए, तो एक्स की जो वैल्यू आएगी ना वो आएगी प्लस माइनस आयोटा। क्या आएगी? प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम जो आयोटा है उसका जो मान है वो क्या है, माइनस के वन है, को भी कैसे में रूट में माइनस वन। ठीक है, क्यों? चलिए आप देखिए यहाँ पे जरा ध्यान से कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस वन। ठीक है, तो रूट के अंदर माइनस वन नहीं आ सकता कि रूट जो है वो माइनस वन संख्या माइनस नहीं देता। ठीक है, तो क्या देगा वो, उसको माइनस की जगह पर हम क्या ले लेंगे, आयोटा ले लेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, आयोटा, आप जानते हैं चीज को। तो ठीक है, आयोटा लिख देंगे, आयोटा भी कैसा, फिर प्लस और माइनस दोनों वाला। ठीक है, तो और ये संख्या कैसी है, काल्पनिक संख्या है, ये काल्पनिक संख्या है। ठीक है, अब ग्राफ के द्वारा हम इसको निरूपित कर सकते हैं, तो देखिए जरा ये आपके पास हो गया जीरो। ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, योगा फर्स्ट वाई एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल हो गया आपके पास थीटा, ये हो गया आपकी इधर से रियल एक्सिस, और ये हो गया आपके पास इमेजिनरी। ठीक है, तो ये इस तरह से थीटा एंगल जो एक्स और वाई दोनों के लिए एक कॉमनली बात है। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको ऐसे लाइन खींच देता हूँ, और यहाँ पर इसको ऐसे
ठीक है, तो ये दूरी कितनी हो गई एक्स, भाई कोई पॉइंट है आपके पास एक्स और वाई, तो आप उसको एक्स और वाई में दर्शाते हो। लेकिन अगर आपका वो वाई जो है वो कैसा है, काल्पनिक है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में दिखा जाएगा एक समय संख्या को। समय संख्या को किस में लिखते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई में। एक्स क्या होता है, रियल नंबर, वाई क्या होता है, इमेजरी नंबर, ये वाई, ठीक है। तो और इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक एंगल थीटा बनता है, ठीक है। यहाँ जो थीटा है हमारे पास, यहाँ थीटा जो काल्पनिक रेखा से, काल्पनिक रेखा ये, और ये प्रारंभिक ध्रुवांतर रेखा जिसे हम कहते हैं, ध्रुवांतर रेखा, प्रारंभिक रेखा, ठीक है, के मध्य कोण है, के मध्य कोण है, ठीक है, कौन सा है, थीटा, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे कोस थीटा, कोस थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब क्या है, हम जैसे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं मान भाई, ठीक है, तो लंब क्या है, ये लंब बोले तो ये ओ वाई, आधार कितना है ओ, इसको हम ले लेते हैं एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स ले लेते हैं। तो एक्स दूरी, आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स अपॉन आर, आर यानी कि ये आर, ठीक है। और इस आर का जो मान है वो क्या है, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, वो हम यहाँ पे अभी निकाल लेंगे। समझ में आ गया, तो यहाँ पे एक्स बराबर क्या है, आर कॉस थीटा, घटक निकालते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर हम इस एक्स अक्ष के साथ वाले पार्ट में जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आर दे रखा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक्स आर, एक्स इसका मान हो जाएगा आर कॉस थीटा, ये सामने वाला नंबर ले लो आर कॉस थीटा, ये वाला ले लो एंगल, और इसका निकालना है तो आर साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा जो एंगल बना हुआ है वो इसी साथ आएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा, ये आएगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर, यानी कि वाई बराबर आर साइन थीटा, क्लियर। तो और एंगल क्या बन जाएगा, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, आर से कैंसिल, कॉस बटे साइन कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, सॉरी बटे साइन आएगा और फिर आएगा नीचे कॉस, तो वाई अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा, देन थीटा बराबर क्या रहेगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ठीक है। ये तो ढाल भी होता है, जिसे हम ढाल कहते हैं, ये थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर, इस थीटा की वैल्यू वाई अपॉन टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स है, क्लियर। दोबारा ध्यान दे लो, कोस जो होता है मतलब ना, लंबे कर्ण की हम बात करें, ठीक है, तो 90 माइनस थीटा के लिए, कोस 90 माइनस थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा ये, और इसके लिए क्या हो जाएगा ये, आप इस तरह से देखो, आप इस डायग्राम को, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, इस तरह से देखो आप, ठीक है, ये है हाइपोटेनियस, तो इस तरह से देखो आप, क्लियर। या फिर ये यहाँ एंगल बन रहा है थीटा, तो जहाँ थीटा एंगल बनता है, सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, लंब होता है सामने वाला, तो लंब बटे आधार, ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अभी तो हमारे पास क्या था, एक्स और वाई वाली फॉर्म यानी कि कार्तीय निर्देशांक में, अब हम निकालेंगे इसको ध्रुवांतर रूप में, ठीक है, हम क्या किसमें ज्ञात करेंगे, ध्रुवांतर रूप में ज्ञात करेंगे। तो ध्रुवांतर रूप में क्या होता है, देखिए जेड बराबर हम मानते हैं आर ई की पावर आयोटा थीटा, ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा यानी कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये होता है ई की पावर आयोटा थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये, ठीक है, ये रूल होता है, ठीक है, पुराने बुक्स में ये अलग से पूरा चैप्टर होता था, आप वो अनुसार पढ़ा हो, ठीक है, द मायावर प्रमेय के नाम से, ई की पावर आयोटा थीटा बराबर है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
और जेड बराबर क्या हो जाएगा फिर, यहाँ रख दो मान आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ पर जो बिंदु है हमारे पास, ठीक है, उन बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं, समझ में आ गया भाई। ये फॉर्म तो आपस क्या हो गई, ध्रुवांतर रूप में हो गई, ये रूप कैसे हो गया ध्रुवांतर रूप, और इससे पहले जो आपने लिखा था वो कैसा रूप था, कार्तीय रूप, ठीक है। ये रूप कैसा था हमारे पास, ये था हमारे पास कार्तीय निर्देशांक, एक्स तो वाई जहां पे आता है वो था कार्तीय निर्देशांक, और यहां पर आता है आर थीटा वो होता है ध्रुवांतर रूप, ठीक है। अब कुछ रूल्स ले लें इसके, ठीक है, कुछ रूल्स ले लें अगर हम, तो क्या होगा, माना जेड वन बराबर क्या है ए वन एंड बी वन, जेड टू क्या है सी एंड डी, ठीक है, जेड कैन क्या है ए और बी, हम इनका योग मल्टीप्लाई डिवाइड और सबट्रैक्ट ये सब देख लेते हैं कि आयोटा वाली फॉर्म के अंदर, यानी कि जेड और जेड टू क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इनमें प्लस माइनस गुणा भाग ये सब कैसे होता है, ठीक है, ये सब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो जेड वन में अगर जेड टू को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, ए और बी प्लस करता हूं मैं सी और डी को, तो ए एंड बी, ए प्लस आयोटा बी, सॉरी जो ये फॉर्म है ये प्लस आयोटा बी, ये जाएगा सी प्लस आयोटा डी, ठीक है। तो जो आगे वाला नंबर है वो रियल नंबर है ए और सी, और पीछे वाले बी और डी कैसे हैं, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी प्लस आयोटा और बी प्लस डी, डी हो जाएगा। तो देखो इन इस वाली तरह की फॉर्मों को हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो क्या लिखते हैं ए प्लस आयोटा बी, या फिर एक्स वाई होता तो एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये इसने यहाँ से यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ से वापस से इसको हमें लिखना है इधर, तो क्या लिखा जाएगा, देखो ए और बी, ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड प्लस जेड टू हो गया ए प्लस ए और सी, बी नहीं सी आ रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ कॉमन कॉमन लगा दूँ, यहाँ हो जाएगा बी एंड डी, बी प्लस डी, ए प्लस सी और ये बी प्लस डी, ठीक है। अब बात करते हैं हम माइनस की, तो जेड वन माइनस जेड टू, तो ए एंड बी माइनस सी एंड डी, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए और बी का कह दो क्या आप, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी लिख दोगे, ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी, और फिर ए अब रियल नंबर को हटा करेंगे, रियल से रियल होते हैं, जैसे आप कहोगे टू आयोटा में मैं थ्री को जोड़ दूं तो कोई जुड़ेगा नहीं, थ्री और टू फाइव आयोटा नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल गलत है, थ्री प्लस टू आयोटा, थ्री प्लस टू आयोटा ही रहेंगे, ठीक है। ऐसे माइनस करता हूँ मैं थ्री में से मानो टू आयोटा, तभी ऐसे ऐसे रहेगा, ये कुछ भी माइनस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ए माइनस सी, ये दोनों रियल नंबर है तो रियल नंबर आ जाएगा, और हाँ कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स होगा, ये साथ रियल होगा कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे यहाँ पे टू आयोटा प्लस थ्री है, इसमें मैं टू आयोटा प्लस थ्री जोड़ूंगा तो ये सिक्स प्लस फोर आयोटा हो जाएगा, ठीक है, इससे नंबर होते हैं, क्लियर, फिर दोनों सेम सेम है ना पोजिशन, इस वजह से तो ए माइनस सी, ए माइनस सी और प्लस आयोटा बी माइनस डी, ठीक है, यही है। अब इसको ले देते हैं दूसरे फॉर्म में, ए माइनस सी कॉमा बी माइनस डी, राइट, कोई दिक्कत नहीं। ए माइनस सी और दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा, बी माइनस डी हो जाएगा, मतलब कि
जेड वन माइनस जेड टू जो है वो इजीली माइनस हो सकते हैं, और ऐसे ही जेड वन टू जेड टू हो सकता है, और जेड वन अपॉन जेड टू भी हो सकता है। जेड वन अपॉन जेड टू इक्वल टू तो मल्टी वाला फॉर्म वैसे हो जाएगी, और जेड वन जेड टू तो इजी है, ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी करोगे तो इस फॉर्म तो ऐसी चीज रहेगी, इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये फॉर्म आपके पास यूं ही बनी रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म है हमने जो सीखा यहाँ पर, मैं उसी को रिकॉल कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, हम दोबारा से उसी को रिकॉल कर लेते हैं कि हमें जो हमने सीखा है वो क्या चीज है। वो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम बनाते हैं, कैसे हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब हमारे पास होता है एक्स प्लस आयोटा वाई वाली फॉर्म, एक्स होता है रियल एक्सिस और वाई होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और इसके अलावा इसका जो दोनों का जो कहें तो परिणामी मान है, रिजल्ट है, वो क्या होता है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है, और यहाँ पर इसका हम क्या निकालें, मोड निकालें, तरह से मोड ऑफ जेड निकालें, यहाँ पर जेड का मान क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, तो मोड ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो भी रूट है। ठीक है, किसमें होता है, वो रूट होता है। तो अब हमारे पास कोस थीटा का मान निकालना है, तो एक्स अपॉन आर यानी कि एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, एक्स का मान चाहिए, वाई का मान चाहिए, तो वाई बराबर आर साइन थीटा। इस तरह से यहाँ पे जो टर्म है हमने सीखी है कॉम्प्लेक्स की, तो स्टार्टिंग जो है आपकी वो अभी और भी चलेगी, अभी आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखनी है इसमें, फिर हम अपने सिलेबस के ऊपर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के इतना ही, थैंक यू।